हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। आज मैं डिफरेंट स्टाइल में आईलाइनर डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको आप क्रिएट कर सकते हो न्यू लुक देने के लिए। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हम बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो आप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं पहले आपको फेस पे आपको बेस लगा के दिखा रही हूँ आईज़ के ऊपर। आप सोच रहे होंगे आईलाइनर मेकअप है ये, तो ये बेस क्यों लगा रही हैं, लेकिन बेस से शुरुआत कर रही हूँ मैं, जिससे आपसे मिस ना होने पाए मेकअप। तो देखिए, इस तरह से मैंने बेस लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया है। आपको ये वाइट वाइट लग रहा होगा, ये सिर्फ कैमरे में दिख रहा है, रियल में ये वाइट नहीं लग रहा था इतना, ये सिर्फ लाइट की वजह से लग रहा होगा। और उसके बाद कंसीलर भी लगा के मैंने ब्लेंड कर लिया है, देख सकते हैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ भी बनाऊंगी। आईब्रोज़ बनाने का वीडियो मैंने एक और बनाया हुआ है, वो जल्दी आने वाला है कि आप घर में आईब्रोज़ कैसे बनाएं रोज़ाना की, वो आपको जल्दी मिलने वाला है। बट इसमें मैं आपको शॉर्टकट में दिखाऊंगी आईब्रो बनाना। और जल्दी से मैंने ये पेंसिल लगा लिया है, आईब्रोज़ में फिल कर लिया है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको और कौन कौन से मेकअप देखना है ट्यूटोरियल, तो मैं ज़रूर आपके शेयर करूँगी। और इस तरह से मैंने कॉम्पैक्ट भी लगा लिया है गाइस, जिससे कि मेकअप फिनिक्स हो जाए। और मैंने लगा लिया मस्कारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईलैशेस में। आप अगर लैशेस लगाना पसंद नहीं करते हो तो अच्छे अच्छे मस्कारे अवेलेबल हैं, आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने वाटरप्रूफ आईलाइनर लगा लिया है। एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी मैं, इस डिज़ाइन को आप किसी भी पार्टी फंक्शन में लगा सकते हो, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल सा ये जो आईलाइनर का लुक आएगा, ये फैशन शो में भी गाइस कई कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। फैशन शो में इस तरह से ही ज़्यादातर लाइनर लगाया जाता है, और ये इस तरह से लगा लिया है। बहुत ही आराम आराम से लगाना होता है आईलाइनर, हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। और कितने भी आईलाइनर आप लगा लो गाइस, कैसे भी आईलाइनर लगा लो, लेकिन आप जल्दी ना करें, जल्दी से काम ख़राब होगा। और इस तरह से लगा लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर काजल लगा लिया है सिल्वर कलर का। तो ये है मेरा आईलाइनर फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो मैंने पहले टोनर से रिमूव करके देखा, उससे नहीं हुआ इतना अच्छा। अब मैंने ये जॉनसन बेबी ऑयल लिया, उससे अच्छा रिमूव हो गया। तो अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट आईलाइनर डिज़ाइन। इस तरह से लगा लिया मैंने टेप, जिससे कि गाइस लाइनर इधर उधर फैले नहीं। देख कितना अच्छा लाइनिंग आया है टेप लगाने से। ये बिगिनर्स लोगों के लिए अच्छा है, टेप लगा के आप लगा सकते हो। इस तरह से आई शेडो भी लगाया जाता है, नीचे भी एक लाइनिंग दूँगी अच्छी सी। और इस तरह से लगाने के बाद आँखें बड़ी लगती हैं गाइस। सब लाइनर का कमाल होता है, छोटी से छोटी आँख को हम बड़ा दिखा सकते हैं, बड़ी बड़ी सी आँखों को हम छोटा भी दिखा सकते हैं। सब आईलाइनर, काजल और मस्कारे का ही कमाल होता है। और अब मैं वाइट लाइनर लगा रही हूँ, अलग ही स्मोकी लुक आएगा। और अब मैं काजल फिल कर रही हूँ गाइस, जिससे आँखें और बड़ी लगें। और अब मैंने आईलैशेस लगा लिया गाइस, फेक आईलैशेस। आपको अगर इसका भी वीडियो देखना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फेस लैशेस कैसे लगाया जाता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए, ये है मेरा फाइनल लुक, ये है सेकेंड आई लाइनर। देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग लुक आया है। और गाइस, ये मैंने रेगुलर आई लाइनर लगा लिया है, जैसे कि रोज़ाना में लगाया जाता है, ये मैंने लगा लिया है। उसके ऊपर से मैंने ये वाइट लाइनर चला लिया है, ये है ग्लिटरी आई लाइनर। इसको मैंने आउट लाइनिंग दूँगी ब्लैक के लाइनर के किनारे किनारे। और देख सकते हो, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप देखिए इस तरह से नीचे की तरफ। अगर आप कहीं फंक्शन कर रहे हो और प्रोग्राम कर रहे हो, वहाँ पे भी लगा सकते हो इस तरह से लाइनर। फेरी लुक क्रिएट करने के लिए लगा सकते हो, फेरी लुक अच्छा लगेगा इसको लगा के। और इस पे भी मैं लैसेस लगा लूँगी। आप चाहो लैसेस स्किप कर सकते हो, आप वाटर प्रूफ मस्कारा लगाइए, लैसेस काफ़ी बड़े लगेंगे। जिनको नहीं पसंद है इनको लगा। ये मेरा लाइनर फिनिश हो गया गाइस। चलती हूँ आखिरी लाइनर की तरफ, उसमें भी मैंने इस तरह से लाइनिंग दे दी है पतली सी,
पतली सी ब्रश की हेल्प से दिया है। उसके बाद ब्लू लाइनर लगा लूँगी। आप चाहो ब्लैक ही लगा सकते हो या इसकी जगह ग्रीन या कुछ भी लगा लो, आपकी इच्छा हो। मैंने बस डिज़ाइन क्रिएट करना बताया है, बाकी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लीजिए। आप चाहो नीचे भी पूरी लाइनिंग दे सकते हो। ऊपर नीचे दोनों तरफ मस्कारा लगा लूँगी और ये है मेरा फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस पसंद आ रहा हो तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते जाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर।